एवरीबॉडी कैसे हैं सब लोग। हाय मोहिता, गुड इवनिंग, वेलकम टू द क्लास। तो गाइस, दिस इज द सीमैट जीके टेस्ट। आई नो द टाइटल सेज इट इज डेली जीके अपडेट्स, बट लुकिंग एट द इंटेंसिटी एंड द टाइम वी हैव टाइम अमाउंट ऑफ टाइम वी हैव टू प्रिपेयर, मैंने डेली जीके अपडेट्स नहीं रखे हैं इस क्लास में। मैंने पूरे के पूरे 45 questions, ओके 45 questions मैंने इसके सीमैट जीके के इसमें कर दिए हैं। ओके, सो वी विल नॉट बी हैविंग, थैंक यू सो मच नितेश, वी विल नॉट बी हैविंग डेली जीके अपडेट्स, बट पूरे के पूरे सीमैट जीके क्वेश्चंस मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है। सो गाइस, दिस इज अ 45 मिनट्स का क्लास एंड इसमें 48 क्वेश्चंस है। ओके, देयर आर 48 क्वेश्चंस ऑफ सीमैट जीके, स्टैटिक एज वेल एज करंट अफेयर्स दोनों भी मैंने इसमें मिक्स कर दिए है। तो चलिए गाइस, इस सेशन को शुरू करते हैं। So welcome you all once again, all the people who are here for the very first time. I am Advocate Rishikesh Kate, MBA LLB, and I will be guiding you for your GK and current affairs section for various entrance exam. Also guys, I come live here at 2 times 11 AM, okay, roj subah 11 baje aur sham ko 7 baje main live aata hu. Hum log is pure week mein CMAT ka GK karne wale hai, 50 questions every day. न्यू क्वेश्चंस, ओके, न्यू क्वेश्चंस इन ईच टेस्ट, हर टेस्ट में हम नए क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो फॉर सम पीपल इट इज गोइंग टू बी रिविजन, बट फॉर सम पीपल इट इज गोइंग टू बी फर्स्ट हैंड क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस। ओके, हाय शिवांश, गुड इवनिंग, एंड इफ इन केस यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू GDGK करंट अफेयर्स, प्लीज फील फ्री टू कैच अप विद मी ऑन माई पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप, दैट इज unacademy_RK, जिसका लिंक मैंने इधर पिन करके रखा है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। गुड इवनिंग, सेकेंड शिफ्ट में पेपर टफ रहता है क्या? नहीं प्रशान, नहीं रहता है। हाय वंदना, गुड इवनिंग। सो गाइज, अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको 3000+ hours ऑफ लाइव क्लासेस, 1200+ hours ऑफ स्पेशल क्लासेस एंड 45 न्यू टेस्ट एवरी मंथ फॉर कैट एंड ओमेट, जिसमें प्लस के जो भी बेनिफिट्स है, दैट इज इंडियाज बेस्ट एडुकेटर्स फॉर कैट, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस के थ्रू जो पढ़ाते हैं आपको, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड PDF एंड लाइव टेस्ट एंड क्विजेस आपको ट्रैक करने के लिए ये बाय डिफॉल्ट मिलता है। व्हाट न्यू यू गेट इज पर्सनल कोच, एक पर्सनल कोच दिया जाता है आपको, विल गाइड यू थ्रू आउट योर जर्नी, ओमेट्स का एक्सक्लूसिव प्रिपरेशन, एक्सपर्ट गाइडलाइंस एंड पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस टू ट्रैक योर प्रोग्रेस। Also guys, this all the people who are preparing for CAT 2021 and will be looking forward to other management entrance exam, this is your subscription. However, this is going to be 39,500 from 31st of March, and this is going to be 67. However guys, do not forget to use this code RUSHIRUSHI, straight away aapko 10% discount mil jayega. जैसे मैं बता रहा था, देयर इज गोइंग टू बी अ प्राइस हाइक इन ऑल द सब्सक्रिप्शन गाइस, दीज आर द न्यू रेट्स, इट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 31st ऑफ मार्च ऑफ दिस मंथ। ओके, 31st ऑफ मार्च यही मंथ है, तो इफ यू आर प्लानिंग टू गो फॉर द सब्सक्रिप्शन, गो टुडे गाइस, आज ही के आज अपना सब्सक्रिप्शन ले लो विद दिस कोड RUSHIRUSHI, आपको स्ट्रेट अवे 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कॉलेज डिस्कशन ग्रुप लिंक लरिशा, आई विल पोस्ट इट इन माय टेलीग्राम ग्रुप। ये नए बैचेस शुरू हो रहे हैं 22nd मार्च से, स्टार्टर बैच फॉर कैट 2021, 24th मार्च से एब्सोल्यूट मॉर्निंग बैच कैट 2021, 27th मार्च से राउंड द क्लॉक बैच फॉर कैट 2021 शुरू हो गई है। यू कैन यूज द सेम कोड RUSHIRUSHI टू गो फॉर द सब्सक्रिप्शन। चलो गाइज, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। There are, like I said, there are 48 questions in this session, okay? और ये 45 minutes का session है, this is a 45 minute session. I want all of you to take all these 48 questions, unique questions है, expected questions मैंने इसमें add कर दिए है. However, we are practicing almost 700 questions, तो expected वाला कोई बात है ही नहीं. Overall preparation करते हैं, if our luck is good, 15 to 20 क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो लेट्स होप एंड स्टार्ट द प्रिपरेशन। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वन द एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2020 एट द ऑटोड्रोमो इंटरनेशनले एंजो दे डिनो फरारी रेस ट्रैक इटाली, इन सिंपल वर्ड्स, इटली ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? हु हैज वन द इटली ग्रैंड प्रिक्स which is named as Emilia Romagna Grand Prix 2020. So
मजाक मजाक में बहुत ही लोग आ गए हैं आज क्लास में, क्या बात है सर, मेरा ब्रह्मास्त्र लेविस, क्या बात है। डू यू लाइक एनीबडी इन द क्लास लाइक्स और फॉलोज F1? डर का माहौल है, बराबर है। एंड द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन इज लिविस हैमिल्टन। ओके, लिविस हैमिल्टन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, दामोदर रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटूज। ओके, दामोदर रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटू, कौन से रिवर से दामोदर प्लैनेट प्लैनेट कह रहा हूं, रिवर ओरिजिनेट होता है, कौन से प्लेटू से ओरिजिनेट होता है। क्वेश्चन नंबर टू मुझसे मिस हो गया कांचन, आई डोंट नो डुप्लीकेशन में वो मुझसे मिस हो गया, मिस्ड 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 सेकेंड क्वेश्चन गाइस, मैंने यही डुप्लीकेट कर दिया, क्वेश्चन नंबर वन को ही डुप्लीकेट कर दिया, आई एम सॉरी, आई मिस द क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सो सॉरी गाइस, सो सॉरी। वंदना क्या कहा आपने, सॉरी फॉर बीइंग लेट, नो प्रॉब्लम सर जी, अनअकैडमी पे आस्क डाउट वाला फीचर सबके लिए है या इट्स फ्री? वंदना वो सबके लिए है, एब्सोल्युटली फ्री है, और वो 24x7 काम करता है, इट वर्क्स 24x7। एंड द करेक्ट आंसर इज डेक्कन, सॉरी छोटा नागपुर प्लेटू। ओके, छोटा नागपुर प्लेटू इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड इन द रीन ऑफ, द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड इन द रीन ऑफ, किसके रीन में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था सर? नहीं सर, शायद प्लस के लिए है, रौनक सर ने बोला था, नो इट्स नॉट फॉर प्लस, इट इज एब्सोल्युटली फ्री, इज फॉर एवरीबडी, रौनक सर ने ऐसा नहीं बोला होगा, प्रॉबली कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ होगा, बट इट्स एब्सोल्युटली फ्री फॉर एवरीबडी, इट इज नॉट फॉर पेड वालों के लिए। यस, एंड द करेक्ट आंसर इज आजाद शत्रु। इट इज सेड दैट फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल happened in 4th century BC, okay, right after the death of Gautama Buddha under the monk, okay, under the monk Maha Kasyapa, okay, Maha Kasyapa monk के निगरानी के अंदर ये हुआ था। Next, what is the traditional dress worn by the members of the royal ethnic tribes of Sikkim called? What is the traditional dress of the royal ethnic tribes of Sikkim called? Royal ethnic tribes, royal ethnic tribes of Sikkim called, even the Bhutan पीपल वेयर द सेम कॉस्ट्यूम, भूटान के लोग भी सेम ही कॉस्ट्यूम पहनते हैं, एंड दैट्स कॉल्ड खो। ओके, खो इज द करेक्ट आंसर, खो। यस, नेक्स्ट, इन फेब्रुआरी 2019 द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज प्राइवेटाइज सिक्स मेजर एयरपोर्ट्स ऑफ द कंट्री, विच अमंग द फॉलोइंग एयरपोर्ट आर नॉट मेंशन्ड अमंग द सिक्स एयरपोर्ट, इसमें से कौन सा एयरपोर्ट मेंशन नहीं है? क्या कर रहे हो भाई, शूटिंग कर रहा हूं। विच अमंग द वन इज नॉट मेंशन गाइस, ओके, विच अमंग द वन इज नॉट प्राइवेटाइज्ड, एंड गॉट दैट राइट। ऐसे लग रहा है शूटिंग के ऊपर मीम्स बनने वाले हैं अब। पंतनगर इज द करेक्ट आंसर, उत्तराखंड पंतनगर का ये एयरपोर्ट ही प्राइवेटाइज नहीं हुआ है, बाकी तीनों भी प्राइवेटाइज किए गए हैं। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट ई रिसोर्स सेंटर एंड वर्चुअल कोर्ट हैज बीन लॉन्च्ड इन विच सिटी? इंडियाज फर्स्ट ई रिसोर्स सेंटर एंड वर्चुअल कोर्ट हैज बीन लॉन्च्ड इन विच सिटी? बाकी तीन, बाकी छह है संकल्प,
छे नहीं पांच है। सॉरी, फ्रॉम द लिस्ट ना, फ्रॉम द लिस्ट कितने क्वेश्चंस होंगे सर? 48 क्वेश्चंस है ऋषि का। द करेक्ट आंसर इज नागपुर। ओके, करेक्ट आंसर इज नागपुर। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सर जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े ने इसे इनॉग्रेट किया था। नेक्स्ट, व्हाट आर द सह्याद्री इज कॉमनली नोन एज? व्हाट आर द सह्याद्री इज कॉमनली नोन एज? नोन एज न्याय कौशल। वेरी गुड मोहिता। व्हाट आर द सह्याद्री इज कॉमनली नोन एज? न्याय कौशल। मोहिता ने बता दिया ना, न्याय कौशल। हाय एजे, गुड इवनिंग, वेलकम टू द क्लास। सो फाइनली कल अपना टीआईएसएस का रिजल्ट आने वाला है। ऑल्सो आज हॉल टिकट्स आ गए ना सारे? हाय पुलकित, गुड इवनिंग। एनवी रमना विल बी नाउ सीजेआई एंड द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज वेस्टर्न घाट्स। ऑल्सो सह्याद्री का मतलब होता है बेनेवोलेंट माउंटेन्स, उसे बेनेवोलेंट माउंटेन भी कहते हैं। बेनेवोलेंट माउंटेन। नेक्स्ट, द विडोज रीमैरिजेस एक्ट वॉज पास्ड बाय। द विडोज रीमैरिजेस एक्ट वॉज पास्ड बाय। द विडोज रीमैरिजेस एक्ट वॉज पास्ड बाय। जितने टाइम मुझे सेंटर जाने में लगेगा उतने टाइम में मैं पुणे पहुंच जाऊं। पुणे का ही सेंटर ले लेता ब्रो। किधर है तेरा सेंटर? स्कूल में बहुत पढ़ा था ना? एंड द करेक्ट आंसर इज लॉर्ड डलहाउजी। 1955 में ये लीगलाइज हुआ था। और किसने लाया था रिफॉर्म? विडोज रीमैरिजेस एक्ट किसने लाया था? पास भी उन्होंने किया था। राजा राम मोहन रॉय ने सती का लिखा था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सुचिस्मिता। वेरी गुड। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, विच कंपनी हैज डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल? विच कंपनी हैज डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल? सर इसको यूट्यूब मोड में भी डाल दिया करो, यहाँ बहुत अटकता है। ओके सर, ऐप पे स्पैम नहीं आते, अच्छा है वाईटी से। इधर स्पैम आ गए तो आई कैन डायरेक्टली ब्लॉक देम ऑन, एंड वंस आई ब्लॉक यू आर, तुम कोई भी सेशन अटेंड नहीं कर सकते। इसीलिए कोई अनअकैडमी पर मस्ती नहीं करता। एक बार मैंने ब्लॉक किया, द प्रोफाइल डायरेक्टली गोज टू द लीगल कंप्लायंस टीम। उधर से तुम्हारा सब्सक्रिप्शन हो या कुछ हो, यू आर बैंड फ्रॉम अनअकैडमी फॉर योर एंटायर लाइफ। शिवांश, डलहाउजी ने पास किया था दादा, डलहाउजी ने पास किया था 1956 में। आई थिंक सो कैनिंग आए थे 56 या 57 में, बट इट वॉज पास बाय डलहाउजी ओनली। यस, एंड द करेक्ट आंसर इज IOCL अंडर द ब्रांड नेम XP100। XP100 के ब्रांड नेम के अंदर इंडिया का पहला 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, द फर्स्ट कॉलोनी टू एस्टाब्लिश रेगुलर ट्रेड विद इंडिया वॉज? द फर्स्ट कॉलोनी टू रेगुलर ट्रेड विद इंडिया वॉज XP100। देखो कितना विजनरी है अपना गवर्नमेंट। उनको पता था कि पेट्रोल का रेट 100 होने वाला है, इसीलिए इंडिजिनसली डेवलप्ड पेट्रोल 100 रुपीज पर 100 ऐसा बरबर उन्होंने डाल दिया। सच विजनरी गवर्नमेंट। एंड द करेक्ट आंसर इज पोर्चुगीज। अब सबसे पहले पोर्चुगीज आए थे तो पोर्चुगीज ही रेगुलर ट्रेड करेंगे। सो द करेक्ट आंसर इज पोर्चुगीज। नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट इज द कंथा
एम्ब्रॉयडरी एसोसिएटेड विथ, कंथा एम्ब्रॉयडरी कौन से स्टेट के साथ एसोसिएटेड है? कंथा एम्ब्रॉयडरी। नुपुर, आर यू देयर इन द क्लास नुपुर? इट वुडेंट हैव स्टॉप्ड एट 100 अगर इलेक्शन नहीं होता एक्चुअली। सर सेकेंड स्लॉट में मिला है एग्जाम, कोई टेंशन नहीं बाबा, मैं फिर तुम लोगों का 11 बजे क्विज रख दूंगा। आई विल क्विक कीप अ क्विज एट 11 AM। यस, नादिया डिस्ट्रिक्ट एंड द करेक्ट आंसर इज वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड स्लॉट जिनको है उनको उनके लिए थोड़ा बेनिफिट रहेगा, दो क्विज रख दूंगा मैं, टेंशन वाला बात नहीं है। वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट, व्हाइट ब्लड सेल्स एक्ट, व्हाइट ब्लड सेल्स एक्ट एज, मोहिता का फर्स्ट आया है, नितेश तेरा क्या है? तो आप फर्स्ट स्लॉट का रिव्यू कराओगे क्या? यस, रिव्यू तो करेंगे ही। कॉर्पोरेट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन करा सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल करा सकते हैं, क्यों नहीं करा सकते? नंबर किधर आया नितेश तेरा? साइंस लेने के फायदे, स्लॉट वन एंड द सेंटर इज 3 आवर्स अवे। माय गॉड मोहिता, कितने बजे रिव्यू होगा? आफ्टर योर पेपर इमीडिएटली। अच्छा, एंड द करेक्ट आंसर इज एज अ डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। व्हाइट ब्लड सेल्स, अगर वो WBC काउंट आपके बॉडी में अगर अच्छा है तो इन्फेक्शन नहीं होता है। ओके, यहां पर अनअकैडमी पर। नेक्स्ट, नेम द साइक्लोन स्टॉर्म विच हैज हिट द साउथ वेस्ट रीजन ऑफ द बे ऑफ बंगाल जस्ट वीक्स आफ्टर इट वॉज हिट बाय साइक्लोन निवार। साइक्लोन निवार के बाद इमीडिएटली कौन सा साइक्लोन आया था? 13 मिनट्स अवे। ब्लेस्ट कौन है? ब्लेस्ट, यस, क्या बात है। इवन माय आरबीसी का क्या? काजल बताओ आरबीसी का क्या? आरबीसी, अगर आरबीसी का काउंट अगर ज्यादा है तो 15 मिनट्स अवे। ब्लेस्ड विद प्रो मैक्स अल्ट्रा, करेक्ट। द करेक्ट आंसर इज साइक्लोन बुरेवी। ओके, साइक्लोन बुरेवी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अटल टनल इज द लॉन्गेस्ट टनल अबाउ हाईवे टनल अबाउ 1000 फीट। द टनल वॉज रिसेंटली डेडिकेटेड टू द नेशन बाय द पीएम इन विच स्टेट? अटल टनल के ऊपर क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो गाइज, दिस कैन बी एन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इन सीमैट। एनीबडी? बांद्रा मुंबई नहीं, अपन बानेर पुणे। हीमोग्लोबिन 9.2 किलोमीटर। यस, लास्ट क्वेश्चन का आंसर साइक्लोन बुरेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन हैज लॉन्च द नॉर्थ्रोप ग्रूमन साइग्नस रीसप्लाई स्पेसक्राफ्ट नेम्ड? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका नाम क्या दिया है? दिस वॉज द इजिएस्ट अमॉन्ग ऑल यू आस्ट, जेके टू ले। यस, एंड द करेक्ट आंसर इज SS कल्पना चावला। ओके, कल्पना चावला इज द करेक्ट आंसर। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ द फ्रेंच हेडक्वार्टर्स एट द पॉन्डिचेरी इन इंडिया? हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ द फ्रेंच हेडक्वार्टर एट पॉन्डिचेरी इन इंडिया? Who was the first governor of the French headquarter at Pondicherry in India? टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कैसे नहीं हो पा रहा? सब, एवरीबडी गेट्स टू ज्वाइन। फ्रांकोआ मार्टिन इज द करेक्ट आंसर।
फ्रांकोवा मार्टिन, बाकी के हावेवर एवरीबडी इज फ्रेंच, कॉलबर्ट इज फ्रेंच, डुप्लीएक्स इज फ्रेंच, ट्रेवर क्रोम इज ऑल्सो फ्रेंच। नेक्स्ट, घूंघट बाघ, छामास एंड तिलपत्रा आर वेरिएशन ऑफ विच इंडियन फोक आर्ट? घूंघट बाघ, छामास एंड तिलपात्रा आर वेरिएशन ऑफ विच इंडियन फोक आर्ट? ओके, ग्रेट काजल, ये लिंक ओपन नहीं हो रहा है, ग्रुप एग्जिस्ट अनएग्जिस्ट बता रहा है। नितेश, ऐसा कैसा कर दिया दादा तू? प्लीज समबडी पुट अप द लिंक अगेन, चल रहा है। अरे वो अलग होगा, अपन ऑलरेडी मेंबर है तो अपने को ये कि एक काम कर, ग्रुप का जो ये है ना डिस्क्रिप्शन, उसमें से कॉपी पेस्ट कर। दिव्या आयर, 15 क्वेश्चंस, ये लो 15 क्वेश्चन, अटल टनल। गाइस, आई डोंट नो, देर माइट बी सम प्रॉब्लम, बट दिस इज अ जेन्युइन लिंक गाइस, ये जेन्युइन लिंक है। ट्राई टू सर्च मैनुअली अन अकेडमी अंडरस्कोर आरके। रुको, अब अनिल ने भी एक लिंक भेजा है, अब ये है क्या, देखेंगे अपन। अब एक और लिंक आया है, देखो इफ दिस वर्क्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर इज फुलवारी, पंजाब। ओके, फ्लावर्स रिलेटेड ये फोक आर्ट है, इट्स पंजाब बेस्ड। नेक्स्ट, हु ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी असुरा टेल्स फॉर किड्स? हु ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी असुरा टेल्स फॉर किड्स? एक काम करो गाइस, कैट फॉर एमबीए, कैट फॉर एमबीए में ज्वाइन हो जाओ, मैं उधर लिंक भेजता हूं। कैट फॉर एमबीए के टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, मैं उधर लिंक भेजता हूं। एंड द करेक्ट आंसर इज आनंद नीलाकंठन, द वन हु रोट बाहुबली, जिन्होंने बाहुबली लिखा है उन्होंने ही यह बुक लिखा है। नेक्स्ट, द 4 डे लॉन्ग मालाबार नेवल एक्सरसाइज बिगेन इन बे ऑफ बंगाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस नेवल एक्सरसाइज? 4 डे लॉन्ग मालाबार एक्सरसाइज वॉज कंडक्टेड इन बे ऑफ बंगाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ द नेवल एक्सरसाइज? क्वाड नहीं है, क्वाड नहीं है सचिन, क्वाड नहीं है, आज ही मॉक में आया था ना सर, आज शायद अपने सेशन जल्दी खत्म हो जाएगा। यस, 45 मिनट्स का ही सेशन है, दिस इज अ 45 मिनट सेशन, मैंने स्केड्यूल ही 45 मिनट्स का किया है। एंड द करेक्ट आंसर इज फ्रांस, फ्रांस इज नॉट अ मेंबर ऑफ द मालाबार, पोल कर दिया मैंने साई। नेक्स्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, ये रहा प्रीवियस क्वेश्चन। यस, क्वाड में जापान भी है, हो गया कामिनी। कुत्तूर एलिफेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर सेट टू बिकम लार्जेस्ट सेंटर केयर सेंटर वर्ल्ड इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? कुत्तूर एलिफेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर, पुत्तूर रिहैबिलिटेशन सेंटर, सर बिगेस्ट एमसीए कॉलेज प्लीज सजेस्ट। नो कॉलेज इज डाउट हियर, यश, ऑल द कॉलेज इज डाउट शुड बी इन टेलीग्राम। विकी विकी प्लीज डू नॉट टेल इट इन द कमेंट सेक्शन, कमेंट सेक्शन में मत बताना। एंड द करेक्ट आंसर इज केरला, केरला इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द स्टैच्यू ऑफ पीस इज इन मेमोयर ऑफ विच जैन मॉन्क? द स्टैच्यू ऑफ पीस
इज इन मेमोयर ऑफ विच जैन मॉन्क? एलिफेंट असॉल्ट केस हैपेंड इन केरला इटसेल्फ? दो बहुत ज्यादा होते हैं वहां पर सर, मुझे कैट फॉर एमबीए नहीं मिल रहा। एट द रेट कैट फॉर एमबीए ऐसा डाल के देखो। आई जस्ट सॉ दैट। करेक्ट आंसर इज आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच सिटी विल होस्ट द इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल इन फेब्रुआरी 2021? फेब्रुआरी 2021 में कौन से सिटी ने बर्ड फेस्टिवल होस्ट किया था? अनअकैडमी भी उसमें प्रीफिक्स, अनअकैडमी नहीं है उसमें प्रीफिक्स। सर को फॉलो कर दो, आपसे मैसेज कर दो, विल सेंड यू द लिंक देयर। यस दैट कैन बी डन। एंड द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन इज गोरखपुर। गोरखपुर इज द करेक्ट आंसर। Which country topped the Bloomberg New Energy Finance 2020 Climatoscope Survey Ranking reflecting its strong clean energy policies का Bloomberg New Energy Climatoscope Survey किसने जीता है? मतलब जीता नहीं, टॉप किया है। केजरीवाल से वैसे भी दिल्ली नहीं हैंडल हो रही, वो किया ही उसके लिए है रे नितेश। इट्स डन फॉर दैट पर्पज ओनली। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। एंड द करेक्ट आंसर इज चाइल्ड या चिली। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इंक्ड एन अग्रीमेंट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग टू सपोर्ट द स्किलिंग ऑफ टीचर्स एंड ट्रेनर्स? एनएसडीसी इंक्ड एन एग्रीमेंट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग टू सपोर्ट द स्किलिंग ऑफ टीचर्स एंड ट्रेनर्स? वो भी कुछ हो पर जनरल इलेक्शंस में दिल्ली वाले बीजेपी को वोट देते हैं पर विधानसभा में आपको। ये तो कंपटीशन है। तो कल का स्केड्यूल गाइस, 11 बजे सेशन होगा, 7 बजे सेशन होगा, सॉरी 6 बजे भी होगा, और फिर 9 बजे आखिरी सेशन होगा। 9 बजे विल बी लास्ट सेशन। नो 11 PM सेशन टुमारो। एंड द करेक्ट आंसर इज बायजूस। ओके कैट 2020 टेस्ट सीरीज गाइस, 2020 भी टेस्ट सीरीज, 10 क्वेश्चन 30 मिनट्स स्टार्ट फ्रॉम 22nd मार्च। यू कैन विन अमेजिंग प्राइजेस, जस्ट चेक इट आउट 7 PM टू 7:30 PM। हु हैज टॉप्ड द ईस्टर्न आई 50 एशियन सेलिब्रिटीज इन द वर्ल्ड लिस्ट पब्लिश्ड बाय यूके बेस्ड ईस्टर्न आई न्यूज़पेपर? 9th, 9B सीमैट का होगा, टीआईएसएस का। 9 बजे टीआईएसएस। हाँ नहीं, वो टीआईएसएस के सेशन में ही हम सीमैट प्रैक्टिस कर लेंगे, उसी के सेशन में हम सीमैट प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग अभी थोड़ा होल्ड कर सकते हैं। यस 11 बजे वाला होगा। 11 बजे, 6 बजे, 7 बजे और 9 बजे, ये 9 बजे के सेशन में भी हम सीमैट जीके ही करेंगे। हाँ यस। एंड द करेक्ट आंसर इज सोनू सूद। नेक्स्ट, डॉक्टर कैरोलिना अराजो हैज बिकम द फर्स्ट नॉन इंडियन टू रिसीव रामानुज प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन 2020 फॉर हर आउटस्टैंडिंग वर्क इन अल्जेब्राइक ज्योमेट्री। हेल्स फ्रॉम विच कंट्री? कौन से देश से है डॉक्टर कैरोलिना अराजो? कल मैंने 9 बजे टिस्मैट का सेशन प्लान किया है गाइस,
पर उसमें भी हम सीमैट जीके ही करेंगे। आई विल आस्क द टीम इफ दे कैन एडिट द टाइटल, क्या वो टाइटल एडिट कर सकते हैं, मैं देखता हूँ, इफ नॉट हम उसी के अंदर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। हाँ 8 बजे डिस्कशन हुआ था, नहीं डिस्कशन नहीं हुआ था, मैंने वो आई हैड सम वर्क तो आई हैड टू कैंसिल द सेशन, मतलब रीशेड्यूल किया है। एंड द करेक्ट आंसर इज ब्राजील। क्या कर सकते शिवांश, अपन कुछ नहीं कर सकते। ये प्लीज ये 6 डेज विदाउट कंप्लेन क्लास कर लो गाइस, क्योंकि फिर अब और इट इज योर चॉइस, फिर वो आपका चॉइस है कि आपको आना है कि नहीं आना है। हाउएवर देयर वर सी द थिंग इज कि आप लोग काफी टाइम से हम लोग एक साथ पढ़ रहे हैं, तो इट इज इजियर फॉर यू, समवट इजियर फॉर यू, बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है। आई नो शिवांश, आई रियली नो हाउ विल यू मैनेज मॉक्स एंड ऑल, बट क्या करेंगे, आई हैव टू टेक द सेशन फॉर द पीपल हु हैव नॉट प्रिपेयर्ड देमसेल्फ वेल। या इसीलिए साक्षी जीके के पढ़ाई के लिए तुमको 6 महीना मिनिमम देना ही होता है, ऐसे 1-2 महीने में कवर करने जाओगे तो फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा। नेक्स्ट, विच कंट्री टॉप्ड द 2020 ह्यूमन डेवलपमेंट रिलीज बाय द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यू सी मोहिता, मोहिता इज अटेंडिंग माई क्लासेस फ्रॉम जुलाई, नितेश इज अटेंडिंग माई सेशंस फ्रॉम सितंबर, ये फिर बाकी के नादिया वगैरह दे हैव ज्वाइंट फ्रॉम अक्टूबर एंड दे आर स्टिल लर्निंग, इसीलिए वो लोग कॉन्फिडेंट है आज। देवर कॉन्फिडेंट इन जैट, देवर कॉन्फिडेंट इन IFT, देवर कॉन्फिडेंट, वेरी मच कॉन्फिडेंट इन TISS, एंड आई एम वेरी श्योर CMAT का भी उनको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट होंगे ही वो लोग। यस एंड द करेक्ट आंसर इज नॉर्वे, विकी कटारिया नवंबर। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द बेस्ट फीफा मेन्स प्लेयर 2020, फीफा फीफा मेंस प्लेयर। एनीवेज 3 आवर्स मॉक देना बहुत टफ है अभी के टाइम। एक काम करो गाइस, यू शुड गिव योर मॉक्स इन द मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग में ज्यादा सेशंस नहीं होते किसके भी। डू योर सेशंस इन द मॉक्स इन द मॉर्निंग। हाँ बिल्कुल, स्लीप एट 12, गेट अप एट 6, 6 घंटे का नींद काफी है, 7 बजे से अपना डे शुरू करो। सेक्शनल टेस्ट दे दो, दो इन द मॉर्निंग दो इन द इवनिंग, सॉर्टेड है। हाँ 5 घंटे, नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट अ प्रॉब्लम, ये 6 दिन 5 घंटे भी स्लीप ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। अरे इट्स अ चैलेंजिंग थिंग फॉर मी ऑल्सो गाइज, तुम लोगों के लिए रोज PPT बनाना इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। हर एक PPT को इवन दो इट्स पहले किए हुए है, उसको रोल आउट करने में काफी दिक्कत होता है। एंड द करेक्ट आंसर इज रॉबर्ट लेवानडोव्स्की। हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द बेस्ट फीफा वर्ल्ड कप प्लेयर वुमेन प्लेयर, ओके वुमेन किसने जीता है। तो ये तुम लोगों के एग्जाम के साथ मेरा भी एग्जाम हो रहा है। बट डू यू सी मी स्टॉपिंग एनीवेयर, नए नए क्वेश्चंस लेकर आता हूं कि नहीं आप लोगों के लिए। माय ओनली मोटिवेशन टू डू दिस थिंग इज कि आप लोगों का ये होना चाहिए, एग्जाम अच्छा होना चाहिए, दैट इज ऑल। जब मैं कॉलेजेस में भी पढ़ाता था, माय ओनली अल्टीमेट एम वॉज की ओवरऑल प्रिपरेशन हो जाए बच्चों का। लूसी ब्राउन्स इज द करेक्ट आंसर। हु इज द यंगेस्ट मेयर इन इंडिया, यंगेस्ट मेयर इन इंडिया कौन है। आई यूज टू मेक माई लॉ स्टूडेंट्स राइट हैंड रिटन असाइनमेंट, हैंड रिटन असाइनमेंट लिखने के लिए बोलता था मैं। रेस्ट ऑल द प्रोफेसर्स वो लोग असाइनमेंट ही नहीं देते थे क्योंकि असेसमेंट कौन करेगा, बट मैं हैंड रिटन असाइनमेंट मांगता था और रोज
60 आवर्स के क्लास में 20 मिनट्स असाइनमेंट चेकिंग को डेडिकेटेडली करता था मैं, बिकॉज आई वॉन्टेड टू सी हाउ दे आर डूइंग, सो दैट उस हिसाब से मैं उनको स्ट्रैटेजी बता सकूं कि हाउ टू गो अहेड विद द पेपर. शी ब्रोक द रिकॉर्ड ऑफ देवेंद्र फडणवीस. आर्या राजेंद्रन इज द करेक्ट आंसर. मैंने जानवी यूपीएससी अटेम्प्ट की है. हु इज द चेयरमैन ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन. 15th फाइनेंस कमीशन की के चेयरमैन कौन है? बट शिवांश प्लीज ऐसा नेगेटिवली मत लेना. आई रियली नो हाउ मच एफर्ट्स यू गाइज आर पुटिंग. मुझे सब पता है कि तुम लोग कितना एफर्ट्स डाल रहे हो इस चीज में. आई जस्ट होप यू ऑल कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स. एंड द करेक्ट आंसर इज नंद किशोर सिंह. नंद किशोर सिंह इज द करेक्ट आंसर. शिवांश नाराज हो गया क्या? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम इज द फेलियर ऑफ विच ऑफ दीज कंट्रीज? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम इज द फीचर ऑफ विच ऑफ दीज कंट्रीज? इट्स ओके दादा, कोई दिक्कत नहीं. यस, मैंने यूपीएससी अटेम्प्ट की थी, आईबी अटेम्प्ट किया था, इनकम टैक्स ऑफिसर किया था. कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम इज द फीचर. कैपिटलिस्टिक मतलब प्रॉफिट मेकिंग. पूरा प्राइवेट होल्डिंग होता है इसमें. प्राइवेट होल्डिंग, गवर्नमेंट का कोई होल्डिंग नहीं होता इसमें. ऑल प्राइवेट होल्डिंग. ऑल द मेजर सेक्टर्स आर प्राइवेटाइज्ड. यस हाँ नितेश भाऊ, एफर्ट्स नहीं दे पा रहा है बिल्कुल भी. नेक्स्ट, द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ. इजी पीजी क्वेश्चन है, इजी पीजी क्वेश्चन. चलो यार, और 14 क्वेश्चंस बाकी है. किधर है नितेश तेरा क्वेश्चन? ऑनेस्टली इसके टाइम पे मॉक्स रियली हेल्प्ड. नितेश तेरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है रे. सेक्शनल कट ऑफ, सेक्शनल टेस्ट ना दे सकते हो. एंड द करेक्ट आंसर इज राज्यसभा. राज्यसभा इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट इन राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? सेक्शनल मतलब क्वांट और एलआई का मिलाकर एक टेस्ट दे दो. वीएआरसी और जीके का मिलाकर एक टेस्ट दे दो. ऐसे सेक्शनल कट ऑफ ले लो. हो गया हो गया. 7 मिनट्स टू द क्लास. जितने क्वेश्चंस हो रहे हैं आई एम एंडिंग इट. आई थिंक सो नहीं हो जाएंगे अपने सारे 48 के 48 हो जाएंगे. नो बिग डील. द करेक्ट आंसर इज इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट इंडिया इज मोस्टली सिमिलर टू. द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज मोस्टली इज क्लोजली सिमिलर टू. कर लेंगे सर 48. कर लेंगे कर लेंगे. यस कर लेंगे, नॉट अ प्रॉब्लम. आई विल एक्सटेंड द क्लास बाय 5 मिनट्स. नो कोई इश्यू नहीं है. यस मतलब इंडिया के प्रेसिडेंट का पोस्ट इस ऑप्शन में से किसके साथ ज्यादा मैच करता है? इट्स ब्रिटिश मोनार्च, क्योंकि ब्रिटिश मोनार्च इज नथिंग बट द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ यूके. बाकी कुछ पावर्स नहीं है उनके पास. डेमोक्रेसी है उधर. लास्ट क्वेश्चन का आंसर इज इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. ब्रिटिश मोनार्च इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, फेनी रिवर इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? फेनी ब्रिज के बारे में हमने बहुत बार पढ़ाई की है. फेनी ब्रिज. फेनी रिवर इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया?
द करेक्ट आंसर इज त्रिपुरा. ओके त्रिपुरा. नेक्स्ट, अमंग विच विच अमंग द फॉलोइंग डैम इज लोकेटेड नियर द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी. स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के यहां पर कौन सा डैम लोकेटेड है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी. इजी पीजी. एंड द करेक्ट आंसर इज सरदार सरोवर डैम. पॉपुलेशन डिविडेंड रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग. पॉपुलेशन डिविडेंड रेफर्स टू विच अमंग द फॉलोइंग. पॉपुलेशन डिविडेंड रेफर्स टू विच अमंग द फॉलोइंग. नर्मदा रिवर. बराबर अनुज. एंड द करेक्ट आंसर पॉपुलेशन डिविडेंड मतलब तुम्हारा यंग यूथफुल एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन. इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए यूथ ज्यादा फायदेमंद हो सकता है ना, इसीलिए उसे डिविडेंड कहते हैं. यूथफुल एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन. नेक्स्ट, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ दिस इंडियन स्टेट्स. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ दिस फॉलोइंग स्टेट. ये क्वेश्चन हमेशा गलत कर देते हैं अपन, आज सही किया है. वंदना गुस्सा हो जाएगी अब. टिस का फेवरेट. यस. कि हमारे स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्यों नहीं जाता है? आज भी हुआ. ओडिशा इज द करेक्ट आंसर. विच बिकम द फर्स्ट कंट्री टू मेक पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री. पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने वाली सबसे पहला पहला देश कौन से बना है? आज तक 10 बार पढ़ाई है पर याद नहीं रहता. आई नो. पासेस थ्रू 7 स्टेट. 7 स्टेट से पास होता है वो. ट्रिक है उसकी याद करने की. यूपीएससी में पढ़ा था. मैप. मैप इज द बेस्ट वे. द करेक्ट आंसर इज लग्जमबर्ग. हु वाज नेम्ड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर एट द 4 टाइम्स ऑफ टॉयसा अवार्ड्स. मैप निकालो और मैप देखो एक बार, अपने आप याद हो जाएगा. नेम द स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर एट द 4 टाइम्स ऑफ टॉयसा 2019. एंड द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज पीवी सिंधु. पीवी सिंधु इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, विच कंट्री हैज वॉन द 2020 यूनाइटेड नेशन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड बाय यूएनसीटीएडी. यूएनसीटीएडी का प्राइज. 2020 का टॉयसा अभी तक आया नहीं है. Which country has won the 2020 United Nations Investment Promotion Award of UNCTAD? Yes, Invest India. इन्वेस्ट इंडिया ने जीता है ये अवार्ड. नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन.
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन के फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंडियन ओरिजिन है, इंडियन ओरिजिन, इंडियन नहीं है, इंडियन ओरिजिन है, भरोसा नहीं था हमें। शॉट्स फायर्ड शिवांश। एंड द करेक्ट आंसर इज अनिल सोनी। नेक्स्ट, नेम द टू सिटीज ऑफ मध्य प्रदेश विच हैव बीन इंडक्टेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सिटीज लिस्ट। वर्ल्ड हेरिटेज साइट सिटीज लिस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है गाइस सीमैट में, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। टू सिटीज ऑफ मध्य प्रदेश, रामसार कन्वेंशन भी अच्छे से करके जाना, द ऑल द न्यूली एडेड रामसार कन्वेंशन 42, न्यूली एडेड रामसर कन्वेंशन अच्छे से करना। पोल दे दिया ना नितेश भाऊ, एक बार वो शूटिंग वाला डायलॉग बोल दो। अरे नहीं अभी नहीं। करेक्ट आंसर है नितेश। विच सिटीज हॉकर कल्चर गेट्स यूनेस्को रेकग्निशन, विच सिटीज हॉकर कल्चर गेट्स यूनेस्को रेकग्निशन। लास्ट वाला ग्वालियर एंड ओरछा, ग्वालियर एंड ओरछा इज द करेक्ट आंसर। हमने किया हुआ है नितेश, वी हैव डन दैट क्वेश्चन इन द स्पेशल क्लास। हु हैज बीन ऑनर्ड विथ एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी, एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सोसाइटी ऑफ द सेंचुरी, सोसाइटी नहीं। थाईलैंड टिक किया मैंने। हु हैज बीन ऑनर्ड विथ एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी। यस एंड द करेक्ट आंसर इज रतन टाटा। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर सीमैट। What is the rank of India in the KPMG's 2020 Global Technology Industry Innovation Survey? Last question, last question for the day, last question for the day। India का rank क्या है KPMG 2020 Global Technology Industry में? मुझे अंदर से लग रहा है सीमैट कोविड क्रूसेडर वाला पूछेगा, पूछेगा आईएएस चहल। केपीएमजी इट्स अ मार्केट रिसर्च कंपनी, केपीएमजी। एंड द करेक्ट आंसर इज सेकेंड, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। लीडर बोर्ड, ये रहा लीडर बोर्ड। पलक इज किलिंग इट टुडे, फिर शिवांश, फिर नम्रता, मोहिता, एजे, सुचेता, तन्वी, काव्या, मनोबाला एंड सुवी। ग्रेट। चलो किसी को कुछ, सर वाईटी की आज मॉक्स की पीडीएफ अपलोड कर देना। कर दी श्रेया ऑलरेडी, आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड इट। कोविड क्रूसेडर अवार्ड गिवन टू आईएएस चाहल। सर कल मिलते हैं, गुड नाइट। यस क्या बात है नम्रता, सुचेता, सॉरी सॉरी सुचिस्मिता, सॉरी सॉरी सॉरी, यस सुचिस्मिता। गुड नाइट गाइस, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट एवरीबॉडी। थैंक यू सैद, थैंक यू नितेश, थैंक यू आस्था, थैंक यू यश, सचिन, थैंक यू एआर, थैंक यू काजल, थैंक यू सगुफ्ता, सैद, नैन्सी, थैंक यू पलत, एमी, चेतन, स्नेहल, रिया, थैंक यू गाइस, महक, थैंक यू शेफाली, चिन्मय, सुचिस्मिता, थैंक यू मोहित, अमित, नैन्सी, गुड नाइट नैन्सी, शुभम, महक, थैंक यू सो मच, आशी जैन, राधिका, रोमिक, गुड नाइट गाइस, नेहा अडवाणी, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, हिमानी, गुड नाइट, आकांक्षा, गुड नाइट, यशमिता, गुड नाइट, थैंक यू यशमिता, वंदना, गुड नाइट, टेक केयर। चलो सो बिफोर वी पार्ट वेज, आइकॉनिक कैट सब्सक्रिप्शन 2021,
पर्सनल मेंटर, टेस्ट एनालिसिस, ओमेट्स एक्सक्लूसिव प्रिपरेशन एंड ऑल बेनिफिट्स ऑफ प्लस इंक्लूडेड। बाय बाय शिवांश, गुड नाइट। सो दीज आर द अमेजिंग एडुकेटर्स और कोच यू विल गेट। आई एम बैंगलोर, आई एम अहमदाबाद, आई एम कलकत्ता एंड आई एम बैंगलोर अगेन। ऑल्सो अन अकेडमी कॉम्बैट, दिस इज इंडिया लार्जेस्ट स्कॉलरशिप फॉर टेस्ट। बाय लेखा, गुड नाइट। ये विल बी लाइव मार्च 28, 2021 12 बजे। इट इज एब्सोल्युटली फ्री एंड यू कैन विन स्कॉलरशिप्स अप टू 58-55 लाख। डू नॉट फॉरगेट टू यूज दिस कोड। इस कोड को इस्तेमाल करना बिल्कुल भी नहीं भूले टू अनलॉक इट। सीईटी 2021 के लिए प्लस रिकमेंड करोगे। संकल्प, यू शुड वॉच रौनक सर सेशन। रौनक सर का प्लस कोर्स आपको देखना मस्ट है 2021 के लिए। ओके, रौनक सर का प्लस कोर्स देखो। बट डू गो फॉर, यस यू कैन यूज द कोड RUSHI ऋषि टू गो फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन। ओके, प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए जा रहे हो तो ये कोड इस्तेमाल करना बिल्कुल भी मत भूलो। ऑलराइट, सो आस्किंग अ डाउट इज वेरी इजी नाउ। दिस इज एब्सोल्युटली फ्री गाइज। ये एक फ्री फीचर है, इट इज नॉट अ पेड फीचर। कोई भी इसे यूज कर सकता है। आस्क मी डाउट क्लिक कीजिए, टेक अ पिक्चर और चूज फ्रॉम द गैलरी, क्रॉप द इमेज, सिलेक्ट द क्वेश्चन एंड अपलोड एंड सिट टाइट, हैव अ आपका सॉल्यूशन विद इन नो टाइम आ जाएगा। थैंक यू सो मच संकल्प, गुड नाइट। सो 1 ईयर सब्सक्रिप्शन प्लान फॉर आइकॉनिक गोज फॉर 30,000 रुपीज। 2 ईयर सब्सक्रिप्शन प्लान फॉर आइकॉनिक गोज फॉर 41,000 रुपीज। डू नॉट फॉरगेट टू यूज दिस कोड RUSHI ऋषि। स्ट्रेट अवे 10% डिस्काउंट मिल जाता है आपको आपके सब्सक्रिप्शन पर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ वेरी गुड नाइट अहेड। लेट्स क्रैक इट गाइस। बाय बाय।